अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा आओ, बैठो। तुम्हारे इंतज़ार था हमें। कितना अरसा हो गया हम सबको यूं साथ बैठे एज अ फैमिली, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस और पॉलिटिक्स की बोरिंग बातें करेंगे तो मैं यहाँ रुकने नहीं वाली। चले फिर इसी का कोई फेवरेट टॉपिक छेड़ लेते हैं। तो भाई इसका फेवरेट टॉपिक क्या है? वही टिपिकल पाकिस्तानी लड़कियों वाला, फैशन, मेकअप या फिर फैमिली गॉसिप्स। अब तुम ओवर एग्जैजरेट ना करो। अच्छा, मैं इतनी भी टिपिकल बातें नहीं करती। अच्छा जाओ अनायत के पास जाओ, उसको कहो शाम को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, अच्छी सी डिशेस बना रहे। जी भाई, मैं तुम लोगों से बच्चों की शादी के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाह रही थी। क्या बात करनी थी बीजान? हमारे खानदान की ज्यादातर लड़कियां ब्याह कर दूसरे खानदानों में चली गई। अब मैं चाहती हूँ कि नरमीन की शादी खानदान में ही हो। बीजान, जब घर में इतना अच्छा रिश्ता मौजूद है तो हम बाहर क्यों देखेंगे? एक मिनट, अगर आप लोगों ने मुझे गांव इसलिए बुलवाया है कि मुझ पे शादी का दबाव डाल सकेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजान, मैं तो डायरेक्ट एयरपोर्ट से कराची जाने वाला था, आपके इसरार पे आया। बेटा, हम लोग तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते। जानती हूँ मैं कि तुम बेहद मसरूफ हो, लेकिन शादी भी तो एक मुकद्दस फरीजा है जिसे अदा करना ही है, और जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। 32 साल के हो गए, तुम्हारी उम्र में मैं बेटी का बाप बन चुका था। चाचा जान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप खुद से मुझको कंपेयर ना किया करें। आपने जिंदगी में सियासत के अलावा और किया ही क्या है? मुझे देखिए, बचपन से अब्बू की डेथ के बाद पूरा बिजनेस संभाला, और देखिए मैंने इस बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप लोग जो इस घर में ऐशो शिरत की जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वो मेरी दिन रात की मेहनत का फल है। एक मिनट, खानदानी बिजनेस संभाल कर हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम? शादी की एक उम्र होती है, खुशियों का एक वक्त होता है, उन्हें वक्त पर ही हासिल करना चाहिए। बस तो यूं समझ लीजिए कि वो वक्त अभी आया नहीं। मैं ज्यादा इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ मेरा बिजनेस है। मैं अपने बिजनेस की कामयाबियों को सातवें आसमान पर ले जाना चाहता हूं, इसलिए मैं अभी शादी नहीं करूंगा। और अगर किसी ने शादी के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश भी की तो बीजान, मैं गांव आना छोड़ दूंगा। डेलीगेशन सुबह कितने बजे पहुंच रहा है? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूं ना, पहुंच जाऊंगा। कहां जा रहे हो इस वक्त? अरे इस वक्त नहीं जा रहा, आइए, कल सुबह की फ्लाइट है कराची की, कल सुबह जाऊंगा 7 बजे। अच्छा अच्छा, नाराज होकर जा रहे हो? अरे नहीं बीजान, कैसी बातें कर रही हैं यार, कराची में एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, 2-4 रोज में वापस आ जाऊंगा। लेकिन अब सोचता हूं कि परमानेंटली कराची शिफ्ट हो जाऊं, बहुत थक गया हूं बीजान यहां से वहां ट्रैवल करते करते। मैं, आप रहेंगी मेरे साथ वहां पे? बेटा यहां पर भी तो मेरी औलाद है, उन्हें भी तो खुश रख रहा है ना, इसीलिए तुमसे कहती हूँ घर बसा लो। लेकिन तुम तो शायद शादी नहीं करना चाहते, या फिर तुम्हें नरमीन पे इतराज है? बीजान, मैं रिलेटिव्स में शादी करने पर बिलीव नहीं करता। नरमीन मेरी कजन जरूर है, लेकिन हम दोनों के दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है। आप चचा जान को साफ कह दें कि मैं 3 साल तक शादी नहीं करूंगा। उन्हें अगर अपनी बेटी की शादी की जल्दी है तो कोई और मैच देख ले।
तो फिर इससे मैं तुम्हारा साफ इनकार समझूं? आप जो समझना चाहे समझ लें बीजान। तुम अपने चचा को नहीं जानते, साफ इनकार सुनेंगे तो दुनिया इधर से उधर कर देंगे। बीजान, चचा जान शायद मुझे ठीक से जानते नहीं अभी। अगर वो गुस्से के तेज हैं तुम उनसे ज्यादा गुस्से का तेज हो। ये गुस्सा और जिद मुझे विरासत में मिली है। साफ सी बातें बीजान, मैं शादी भी नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी शादी के बगैर बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसुकून है। आप प्लीज मुझ पे दबाव न डालें शादी के लिए। तुम आखिर शादी से चिढ़ते क्यों? क्योंकि शादी जैसा नाकाम और झूठा रिश्ता मैंने कभी नहीं देखा है। चलिए आप ही बता दीजिए, हमारे खानदान में कोई एक शादी जो कामयाब रही हो। मैंने अपने मरहूम माँ बाप की नाकाम शादी भी देखी है और चचा जान की मैरिटल लाइफ को डूबते हुए भी देखा है। दूसरी शादी छुपके की थी ना उन्होंने, चची को नहीं बताया था, बाद में पोल खुल गई थी। अरे बेटा, दूसरी शादी की इजाजत तो मजहब भी देता है। बेटे की खातिर की थी उन्होंने, नहीं था नसीब में बेटा। अब तुम ही बेटा बन के दिखा दो उन्हें। नहीं, मुझे बेटा बनने में कोई मसला नहीं है, मैं तो बस दामाद नहीं बनना चाहता। अभी बस समझा दे उन्हें, अपनी शादी के बारे में कोई डिसीजन लेके मैं आपको जल्द बताऊंगा। शब्बा खैर।